हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है हिंदी रेसिपीज में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बची हुई रोटियों से एक बहुत ही टेस्टी डिश, जो बस आप रोज फ्रेश रोटी से भी बनाकर खाना चाहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए लगभग 5 रोटियां, तो आप फुलके, चपाती, किसी भी टाइप की रोटी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगला स्टेप है रोटियों को कट करना। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप 5 रोटियों का बना रहे हैं तो एक साथ आप 4 या 5 रोटियों को रोल कर सकते हैं। ज्यादा बना रहे हैं तो 4 से 5 की ही रोटियों को एक साथ लेके इस तरह से रोल करें और चाकू से कट कर लें। इस तरह से आपका समय भी बच जाएगा और साथ ही में जो रोटियां हैं बहुत अच्छे से कट हो जाएंगी। रोटियों को कट करने के बाद इस तरह से आप अलग कर लें। अलग करने के बाद ये कुछ रोटी के नूडल्स की तरह नजर आने लगेंगी। तो ये देखिए, एकदम लच्छेदार रोटी यहाँ पर रेडी है। मैंने अब नेक्स्ट यहाँ पर तेल गरम किया है। तेल जो है मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में गरम किया है और इस वक्त फ्लेम भी मीडियम से हाई के बीच में है। तो रोटियों का तल ले जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तली हुई रोटियों को आप एक चलनी में निकाल लें ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से बाकी की रोटियों को भी आप फ्राई कर लें। चिंता ना करें, ये बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होता है। आप अच्छे से इन्हें चलनी में रखें, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जो भी ज्यादा ऑयल है वो टपक कर गिर जाएगा। आप चाहें तो रोटियों को ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए क्रिस्पी करारी रोटी, मैंने इन्हें चलनी में रखा था, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया उसके बाद मैंने इसे प्लेट में रखा है और ये बहुत ही अच्छी करारी हो गई है। इसी तरह इसी वक्त आप सॉस के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। तड़का देने के लिए, चाइनीज तड़का देने के लिए तेल गरम करें, उसमें डालें अदरक और लहसुन। मीडियम फ्लेम पर इन्हें चलाएं जब तक कि ये हल्के से सुनहरे रंग के ना हो जाए और इसी बीच इनकी जो कच्ची वाली स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। इसके बाद डालें एक मीडियम साइज का प्याज, जो कि लंबा लंबा और मोटा कटा हुआ हो। 1 से 2 हरी मिर्चें मोटी कटी हुई, इस तरह से कि बाद में आपको इन्हें निकालने में भी आसानी हो। फ्राई करें 15 से 20 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर। फिर डालें शिमला मिर्च मोटी कटी हुई, एक मीडियम साइज की ले सकते हैं या फिर 2 छोटी साइज की आप ले सकते हैं। लगभग 2 टीस्पून चिली सॉस, आप चाहें तो एक बार सॉस बनने के बाद टेस्ट करके और चिली और सोया सॉस डाल सकते हैं। सोया सॉस, सोय सॉस जिसे कहा जाता है। इस वक्त रखें लो मीडियम फ्लेम। फिर डालें 1/4 कप पानी। थोड़ा सा नमक, सारे जो सॉस होते हैं इनमें नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालें। यहाँ पर है 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी है। तो कॉर्नस्टार्च नॉर्मली कॉर्नफ्लावर के नाम से मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, सफेद कलर वाला यूज करना है। फ्लेम को रखें लो से मीडियम फ्लेम के बीच और जो सॉस है आप जिसे पकाते जाएंगे ये इस तरह का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, कलर भी डार्क हो जाएगा। बस अब क्या करना है कि हमें इसमें डालनी है रोटियां, और रोटियां जो है तली हुई, ये डालने के बाद आप तुरंत गैस को बंद कर दें ताकि जो रोटियां हैं वो गल ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तुरंत आप इसे मिक्स करें और सर्व कर लें। ऐसा नहीं है कि ये रोटियां एकदम सॉस में डालते से ही नरम पड़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं पे करारापन होगा, कहीं पर सॉफ्ट होगी अगर आप थोड़ा सा इसे रहने देते हैं, पर बिल्कुल भी ये ऐसे सिलेगी नहीं, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगेगी। रात की बची हुई रोटियों को अगले दिन कैसे खाएं, अगर नाश्ते में खाना है, ये अगर आपके पास सवाल है तो इस वीडियो में जो रेसिपी दिखाई है ये आपका जवाब है। अगर आपके पास बची हुई रोटियां नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ताजी रोटियों से भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।